शिक्षकों में आक्रोश बढ़ गया है। शिक्षक नेताओं ने कहा कि 1947 से 2023 तक ऐसा कभी नहीं देखा। वर्ष 2024 में लगातार छुट्टियों में कटौती हुई है। 31 अक्टूबर को सिर्फ दीपावली की छुट्टी दी गई। बाहरी राज्य के शिक्षक कैसे दीपावली मनाएंगे? दूर दराज के शिक्षक भी परिवार से दूर रहेंगे। चार दिनों के महापर्व छठ में भी महज 3 दिनों की छुट्टी। नहाए खाए और खरना को भी स्कूल खुला रहेगा। हजारों महिला शिक्षिका छठ महापर्व करती हैं। 7 से लेकर 9 नवंबर को छुट्टी दी गई है। शिक्षक नेताओं ने शिव नीतीश से तत्काल छुट्टी बढ़ाने की मांग कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शिक्षकों से संबंधित। आपको बता दें कि लगातार छुट्टियों में हो रही कटौती को लेकर शिक्षक नेताओं की तरफ से प्रखर होकर अपनी आवाज बुलंद की जा रही है। प्रमुखता से वो अपनी बात रख रहे हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि इस तरह से छुट्टियों को ना घटाया जाए। कई ऐसी शिक्षिकाएं हैं जो महापर्व छठ करती हैं। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है। रजनीश, क्या जानकारी है? शिक्षक नेता मांग कर रहे हैं कि छुट्टियां बढ़ाई जाए। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार उनकी इस मांग को पूरा कर सकती है? क्योंकि ये बात सत्य है कि हजारों की संख्या में महिला शिक्षिकाएं बिहार में शिक्षा विभाग में सेवा दे रही हैं, बच्चों को शिक्षित कर रही हैं, और ऐसे में उनके भी घर में पर्व त्योहार होते हैं, वो खुद भी महापर्व करती हैं। बिल्कुल शुभी, देखिए 2024 से पहले अगर बात करेंगे तो अब तक दीपावली से लेकर छठ के बीच में लगातार छुट्टियां मिलती थी, लेकिन इस बार व्यापक रूप से अगर कहा जाए छुट्टियों में कटौती हुई है, जिसका विरोध शुरू हो गया। क्योंकि जो शिक्षक हैं उनकी पोस्टिंग जो है लगभग दूर दराज इलाके में है और 300-400 किलोमीटर तक शिक्षक पदस्थापित हैं, यानी कि एक दिन में संभव नहीं है। इसके साथ साथ बिहार के बाहर भी टीचर जो है वहां के रहने वाले हैं और बिहार में उनकी पदस्थापना है। ऐसे में दीपावली में महज एक दिन छुट्टी, और अगर छठ में बात करेंगे तो छठ में महज 3 दिनों की छुट्टी मिली है, जिसमें अगर कहा जाए धनतेरस में भी स्कूल खुला हुआ है दीपावली में, और इसके साथ साथ नहाए खाए और खरना में भी स्कूल खुला हुआ है। तो हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है, और कहा जाए अगर तो छठ में जो है 3 दिनों की छुट्टी महज दी गई है, वो भी 7, 8, 9 तारीख को छुट्टी मिली है, जबकि छठ जो है 8 तारीख तक ही है। तो शिक्षकों को नागवार गुजर रहा है। सीएम नीतीश कुमार से लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और ACS सिद्धार्थ को सभी ने पत्र लिखा और साफ कहा है कि अब तक ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि हजारों की संख्या में जो महिला टीचर्स हैं, लगभग 60% महिला टीचर्स जो पोस्टेड हैं वो छठ करती हैं। ऐसे में वो छठ कैसे करेंगी? नहाई खाई नहीं कर पाएंगी, इसके साथ साथ खरना नहीं कर पाएंगी। वाकई रजेश, ये एक विकट समस्या है। देखने वाली बात होगी कि इस समस्या का समाधान सरकार कर पाती है या नहीं, या यूं ही छुट्टियां जितनी दी गई है उतनी ही रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 1947 से लेकर के साल 2023 तक बिहार के सरकारी विद्यालयों में दीपावली से लेकर के छठ पर्व तक लगातार छुट्टियां दी जाती थी। यह पहला मर्तबा है कि साल 2024 में दीपावली का मात्र एक दिन का अवकाश दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सरकारी विद्यालयों में कार्यरत 60% महिला शिक्षिकाएं जो है वो खासा परेशान है इस बात को लेकर के, वे कैसे इस महापर्व छठ को कर सकेंगे, क्योंकि महापर्व छठ 4 से 5 दिनों तक चलने वाला पर्व होता है और इसमें मात्र बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा 3 दिनों की छुट्टी 7, 8 और 9 नवंबर को ही दिया गया है। इस और बिहार में उद्योग को बड़े पैमाने पर अब बढ़ावा मिल सकेगा। बेटा में बने फर्स्ट ड्राई पोर्ट इनलैंड कंटेनर डिपो का बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने उद्घाटन कर दिया। इस कार्यक्रम में उद्योग विभाग के सचिव के साथ रेलवे और कस्टम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बेटा के ड्राई पोर्ट से बिहार के सामान देश विदेश में आसानी से जा पाएंगे। पहले बिहार के उत्पादों को दूसरे देशों में भेजने की बुकिंग। आंध्र प्रदेश के शिक्षकों में आक्रोश बढ़ गया है। शिक्षक नेताओं ने कहा कि 1947 से 2023 तक ऐसा कभी नहीं देखा। वर्ष 2024 में लगातार छुट्टियों में कटौती हुई है। 31 अक्टूबर को सिर्फ दीपावली की छुट्टी दी गई। बाहरी राज्य के शिक्षक कैसे दीपावली मनाएंगे? दूर दराज के शिक्षक भी परिवार से दूर रहेंगे। 4 दिनों के महापर्व छठ में भी महज 3 दिनों की छुट्टी। नहाए खाए और खरना को भी स्कूल खुला रहेगा। हजारों महिला शिक्षिका छठ महापर्व करती हैं। 7 से लेकर 9 नवंबर को छुट्टी दी गई है। शिक्षक नेताओं ने शिव नीतीश से तत्काल छुट्टी बढ़ाने की मांग कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शिक्षकों से संबंधित। आपको बता दें कि लगातार छुट्टियों में हो रही कटौती को लेकर शिक्षक नेताओं की तरफ से प्रखर होकर अपनी आवाज बुलंद की जा रही है। प्रमुखता से वो अपनी बात रख रहे हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि इस तरह से छुट्टियों को ना घटाया जाए। कई ऐसी शिक्षिकाएं हैं जो महापर्व छठ करती हैं।
और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ फोनलाइन पर है। रजनीश, क्या जानकारी है? शिक्षक नेता मांग कर रहे हैं कि छुट्टियां बढ़ाई जाए, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार उनकी इस मांग को पूरा कर सकती है? क्योंकि ये बात सत्य है कि हजारों की संख्या में महिला शिक्षिकाएं बिहार में शिक्षा विभाग में सेवा दे रही हैं, बच्चों को शिक्षित कर रही हैं, और ऐसे में उनके भी घर में पर्व त्योहार होते हैं, वो खुद भी महापर्व करती हैं। बिल्कुल सुभी, देखिए 2024 से पहले अगर बात करेंगे तो अब तक दीपावली से लेकर छठ के बीच में लगातार छुट्टियां मिलती थी, लेकिन इस बार व्यापक रूप से अगर कहा जाए छुट्टियों में कटौती हुई है, जिसका विरोध शुरू हो गया है। क्योंकि जो शिक्षक हैं उनकी पोस्टिंग जो है लगभग दूर दराज इलाके में है और 300-400 किलोमीटर तक शिक्षक पदस्थापित हैं, यानी कि एक दिन में संभव नहीं है। इसके साथ साथ बिहार के बाहर भी टीचर जो है वहां के रहने वाले हैं और बिहार में उनकी पदस्थापना है। ऐसे में दीपावली में महज एक दिन छुट्टी, और अगर छठ में बात करेंगे तो छठ में महज 3 दिनों की छुट्टी मिली है, जिसमें अगर कहा जाए धनतेरस में भी स्कूल खुला हुआ है दीपावली में, और इसके साथ साथ नहाए खाए और खरना में भी स्कूल खुला हुआ है। तो हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है, और कहा जाए अगर तो छठ में जो है 3 दिनों की छुट्टी महज दी गई है, वो भी 7, 8, 9 तारीख को छुट्टी मिली है, जबकि छठ जो है 8 तारीख तक ही है। तो शिक्षकों को नागवार गुजर रहा है। सीएम नीतीश कुमार से लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और ACS सिद्धार्थ को सभी ने पत्र लिखा और साफ कहा है कि अब तक ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि हजारों की संख्या में जो महिला टीचर्स हैं, लगभग 60% महिला टीचर्स जो पोस्टेड हैं वो छठ करती हैं। ऐसे में वो छठ कैसे करेंगी, नहाई खाई नहीं कर पाएंगी, इसके साथ साथ खरना नहीं कर पाएंगी। वाकई रजेश, ये एक विकट समस्या है। देखने वाली बात होगी कि इस समस्या का समाधान सरकार कर पाती है या नहीं, या यूं ही छुट्टियां जितनी दी गई है उतनी ही रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 1947 से लेकर के साल 2023 तक बिहार के सरकारी विद्यालयों में दीपावली से लेकर के छठ पर्व तक लगातार छुट्टियां दी जाती थी। यह पहला मर्तबा है कि साल 2024 में दीपावली का मात्र एक दिन का अवकाश दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सरकारी विद्यालयों में कार्यरत 60% महिला शिक्षिकाएं जो हैं वो खासा परेशान है इस बात को लेकर के, वे कैसे इस महापर्व छठ को कर सकेंगे, क्योंकि महापर्व छठ 4 से 5 दिनों तक चलने वाला पर्व होता है और इसमें मात्र बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा 3 दिनों की छुट्टी 7, 8 और 9 नवंबर को ही दिया गया है। इस और बिहार में उद्योग को बड़े पैमाने पर अब बढ़ावा मिल सकेगा। बेहटा में बने फर्स्ट ड्राई पोर्ट इनलैंड कंटेनर डिपो का बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने उद्घाटन कर दिया। इस कार्यक्रम में उद्योग विभाग के सचिव के साथ रेलवे और कस्टम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बेहटा के ड्राई पोर्ट से बिहार के सामान देश विदेश में आसानी से जा पाएंगे। पहले बिहार के उत्पादों को दूसरे देशों में भेजने की बुकिंग आंध्र प्रदेश, गुजरात और बंगाल के बंदरगाह से